प्रदेश व्यापी लोक स्वराज अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मुखिया डॉक्टर रमन सिंह रायपुर जिले के तिल्दा के मूरा गांव अचानक पहुंचे, जहां पर जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी और ग्रामीणों के आग्रह पर लाखों की सौगातें दी। देखिए खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह प्रदेश व्यापी लोक स्वराज अभियान के तहत रायपुर जिले के ग्राम मूरा विकासखंड तिल्दा समाधान शिविर में शामिल हुए, जहां ग्रामीणों के आग्रह पर लगभग 85 लाख रुपए के निर्माण कार्यों को तत्काल मंजूर करने की घोषणा की, जिसमें ग्राम पंचायत मुख्यालय मूरा में सामुदायिक भवन निर्माण के लिए 50 लाख रुपए, पीडीएस राशन दुकान निर्माण के लिए 10 लाख रुपए, मुक्तिधाम तक सड़क निर्माण के लिए 20 लाख रुपए और नल जल योजना के लिए 5 लाख रुपए की स्वीकृति तुरंत प्रदान कर दी। वहीं समाधान शिविर में मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों से विभिन्न शासकीय योजनाओं की ताजा स्थिति की जानकारी ली। साथ ही डॉक्टर सिंह ने खाद्य विभाग, राजस्व, ऊर्जा, स्वास्थ्य और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी यानी कि पीएचई के अधिकारियों से भी उनकी विभागीय गतिविधियों का ब्यौरा लिया। तो वहीं ग्रामीणों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत जिनके हेल्थ कार्ड नहीं बन पाए हैं, उन्हें अगले माह अप्रैल में स्मार्ट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। सीएम ने जिले के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। डॉक्टर सिंह ने उनसे कहा कि हेल्थ स्मार्ट कार्ड जारी करने के लिए गाँव में ही विशेष शिविर लगाया जाए। जिन ग्रामीणों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत रसोई गैस कनेक्शन नहीं मिल पाए हैं, उन्हें भी पात्रता के अनुसार इसका लाभ दिया जाएगा। भवन मुर्गा के लिए बड़ा बनना चाहिए, उसका माल आया है, तो मुर्गा में एक अच्छा शादी ब्याह के लिए एक बड़ा सामुदायिक भवन बन जाएगा, जो सब समाज का काम आएगा। और ये 50 लाख की लागत का एक अच्छा बड़ा विशाल मुर्गा के गाँव के रूप बनाएंगे। मुर्गा का पीडीएस भवन के लिए 10 लाख रुपया, यहाँ के तालाब मुक्ति धाम जाने के लिए 20 लाख रुपया सीसी रोड और नल जल योजना के लिए 5 लाख रुपया इस गांव के लिए स्वीकृत किया गया है। तो वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर सिंह ने बताया कि लोक स्वराज के प्रथम चरण में मूरा क्लस्टर के अंतर्गत इन ग्राम पंचायतों के गाँवों से कुल 3,490 आवेदन प्राप्त हुए थे। इनमें से 3,291 का निराकरण कर दिया गया। समाधान शिविर में मूरा क्लस्टर की 10 ग्राम पंचायतों के लोग मौजूद रहे। इनमें मूरा सहित बरतोरी सी, भरुआडीह कला, छतौद, चिचौली, केशला, केवतरा, मोहरेंगा, सिरवे और ताराशिव के ग्रामीणों के आवेदन पत्रों पर संबंधित विभागों द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में लोगों को जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों की हितग्राही मूलक योजनाओं के तहत ग्रामीणों को सामग्री आदि का भी वितरण किया। समाधान शिविर में मुख्य सचिव अजय सिंह, मुख्यमंत्री के विशेष सचिव मुकेश बंसल, रायपुर जिले के कलेक्टर ओपी चौधरी और पूर्व आईएएस अधिकारी तथा राज्य शासन के पूर्व सचिव गणेश शंकर मिश्रा भी उपस्थित रहे। मूरा पंचायत में डेवलपमेंट के पिछले 5-10 सालों में बहुत अच्छे काम हुए हैं। मैं देख रहा था 3 करोड़ से ज्यादा के काम मूरा के पंचायत में किया गया है। यहाँ की पूरी टीम को बधाई दूंगा, जिलाधीश को बधाई दूंगा, इस शहर इस पंचायत को आदर्श पंचायत करने का काम किया गया है। तो देखा आपने, लोक स्वराज अभियान छत्तीसगढ़ की जनता के लिए किस तरह वरदान बना हुआ है, जहां सीएम के साथ शासन प्रशासन जनहित और राज्य के विकास के लिए एड़ी चोटी की मेहनत कर रहे हैं। सीएम पहले जनता से आवेदन लिए, फिर अधिकारियों से जानकारी ले रहे कि समस्याओं का क्या समाधान किए, फिर अधिकारियों के जवाब की जनता से पुष्टि भी करा रहे हैं कि समाधान हुआ कि नहीं। मुख्यमंत्री के इस कार्य के लिए तिल्दा की जनता अपने मुखिया को धन्यवाद दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर। और इस